बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक नई रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेरियाकी चिकन। ये जापनीज़ डिश है, जापान में बनाई जाती है और इसका नाम भी जापनीज़ है, जापानी नाम है। तो बहुत मज़ेदार बनती है, इसको आप साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं या कबाब की अल्टरनेट में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसके लिए बोनलेस चिकन थाइस ले लिए हैं, यानी जो चिकन की जो ड्रम स्टिक होती है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो मैंने लिया है। 5 से 6 अदद ले लिए, उसमें से हड्डी निकाल ली है। और इसके साथ मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक लिया है, यानी अदरक और लहसुन लिया है। मैंने कुटा हुआ लिया है, आप पेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 3 खाने के चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे, 5 चाय के चम्मच। ये पूरा सॉस जो है ये टेरियाकी सॉस कहलाता है, ये मैं अलग से एक बाउल में बना रही हूँ और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। जो है सबसे पहले आप ये सॉस बना के रख लीजिए। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच सिरका, सफ़ेद सिरका। 1/4 चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। इसके अलावा मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच पानी डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कांटे से या चम्मच से और उसको साइड पे रख देंगे। अब जो मैंने जो चिकन है उसको डीबोन किया हुआ था, यानी बोनलेस किया हुआ था, तो वो उस पर मैं दोनों साइड्स पर थोड़ा थोड़ा नमक और काली मिर्च छिड़क के उसको हल्के हाथ से पैट करूँगी, इसको भी हम साइड पर रख देंगे। मैंने चिकन की थाइज इस्तेमाल की हैं, आप चाहें तो चिकन के ब्रेस्ट पीस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने एक जो है कढ़ाई ले ली है, उसमें 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। अभी हम इसको दरमियानी फ्लेम पर बनाएंगे। तो मैंने एक एक करके जितने भी मेरे पास ये थाई पीस थे चिकन के उनको इस तरह से इस पे बिछा दिया है और हम इसको अभी फ़ौरन से टर्न नहीं करेंगे। जब इसकी एक साइड नीचे वाली साइड हल्की सी गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से गोल्डन कर लेंगे। बहुत मज़ेदार से बनते हैं, आप देखें ये दोनों साइड से गोल्डन हो गए हैं, थोड़े से क्रिस्पी आ गए, इस पर क्रिस्पी से हो गए। अब हम इसमें जो हमने टेरियाकी सॉस तैयार किया हुआ था वो सॉस हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको दरमियानी आंच पर हम थोड़ी देर पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको टॉस नहीं करना और मतलब चम्मच नहीं चलाना, इसमें चिकन टूटनी नहीं चाहिए। तो चिकन जो है वो अच्छी तरह से इसमें सॉस में कवर हो गई है, पक गई है। और सॉस का पानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सॉस का पानी जो है वो इसमें खुश्क करना है चिकन के साथ। तो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, अब सिर्फ आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। तो मैंने सारे चिकन के पीस निकाल लिए एक प्लेट में अलग से और इसी सॉस में मैंने 1/2 कप पानी डाला है और इसको विस्क की मदद से या चम्मच की मदद से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो सॉस जो है नीचे लगा हुआ है बिल्कुल कढ़ाई में वो भी अच्छी तरह पानी में हल हो जाए। उसको बिल्कुल हल्की आँच पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये देखें तैयार हो गया। जैसे ही इसमें सॉस में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली हुई थी तो उससे ये बबल्स बनेंगे, तो बस ये इसका मतलब है कि हमारा सॉस तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो मेरे पास चिकन के पीसेस रखे हुए हैं तो इसको मैं तेज़ छुरी के साथ जो है वो स्लाइसेस में काट लूँगी। आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही तोड़ लें या फिर इसी तरह से एज इट इज़ ही इसके ऊपर सॉस जो हमने बनाया हुआ है वो सॉस हम इसके ऊपर डाल देंगे। और थोड़ा सा जो है जो इस रेसिपी का हिस्सा है वो मैंने इसमें सफ़ेद तिल ऊपर से स्प्रिंकल किए हैं, यानी सेसम सीड्स। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना डालें। और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया है। अगर ओरिजिनल रेसिपी में तो हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है यानी स्प्रिंग अनियंस, तो उनका जो ग्रीन पार्ट होता है वो बारीक बारीक चॉप करके ऊपर से स्प्रिंकल की जाती है। तो बहुत मज़ेदार सी टेरियाकी चिकन जो है वो तैयार है, नई रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। इसका सॉस बहुत अमेजिंग होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।